के पहले चार रुकुओं के अंदर कवर हो गया वही अल्लाह है जिसने जमीन में हर चीज तुम्हारे लिए पैदा की है यानी ये सब कुछ इंसान के लिए पैदा हुआ है एक वैसे वो ज़ईफ़ रिवायत भी है ना मुस्तिल हाकम में नबील इस्लाम के बारे में कि अगर मैं तुझे ना पैदा करता तो कायनात पैदा ना करता उसम पे रिवायत सही नहीं है लेकिन प्रिंसिपली ये बात दुरुस्त है कि ज़मीन व आसमान ये सब चीज़ें अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की हैं एज ए स्पीशिस सूरह हूद में भी आता है और इसलिए कि लियबलुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला कम मुल्क में भी आता है ताकि तुम्हें आज़माया जाए कि कौन तुम में से अच्छे अमाल करता है तो यहाँ पर भी अल्लाह तमारा है कि हमने जितना कुछ ज़मीन में सब कुछ इंसान के लिए पैदा किया है और देखें सर हर चीज़ इंसानियत की खिदमत में लगी हुई है आप किसी चीज का जिक्र करें हम आपको साइंटिफिकली प्रूफ करेंगे कि वो इंसान की खिदमत में है, सूरज इंसान की खिदमत में है, सूरज की तपिश की वजह से समुद्रों का पानी वेपोरेट होता है और वो बारिश की शक्ल में हम पे बरसता है ग्लेशियर्स की फॉर्म में बर्फबारी होती है पहाड़ों के ऊपर और वो स्टोरेज टैंक है अल्लाह के वरना समुंदर से अगर आपको यहां पानी लाना पड़े एक हजार किलोमीटर दूर तो मुसीबत ना बन जाए तो वो फ्री में वहां से पानी पहुंच रहा है शिमाली इलाकों में वहां पे ग्लेशियर्स और फिर उसी सूरज की तपेश से वो ग्लेशियर पिघलते भी हैं अगर आपको ग्लेशियर पिघलाने पड़ जाए तो कितनी एनर्जी चाहिए आपके तो घर की गैस नहीं रोटी पकाने के लिए पूरी हो रही उन ग्लेशियर्स को कौन पिघला सकता है और फिर वो जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो जमीन के ऊपर भी दरिया चलते हैं और जमीन के नीचे भी सोतों में दरिया चलते हैं सैकड़ों तरबेला डैम के बराबर तो पंजाब सिर्फ जमीन से पानी निकाल रहा है वो अल्लाह के मुहैबे डैम है अच्छा फिर इस पानी के जरिए फसलें उग रही हैं फसलें ना उगे जानवर नहीं खा सकते हम नहीं खा सकते ना जानवर जिंदा रह सकते हैं ना हम जिंदा रह सकते हैं अगर पानी ना हो और अगर सूरज ना हो दुनिया में हवाओं का चलना मौसमों का बदलना हर चीज डिपेंडेंट है सूरज पे सिर्फ सूरज खत्म हो जाए ना खुद ब खुद सारी जिंदगी रोयर से खत्म हो जाएगी क्योंकि पौधे अपनी खुराक ही नहीं तैयार कर सकेंगे जब पौधे मर जाएंगे जानवर भी मर जाएंगे तो इंसान क्या खाएगा मिट्टी खा के जिंदा रह सकता है ख़त्म तो अल्लाह तुम्हारा जमीन में हर चीज़ मैंने तुम्हारे लिए पैदा की है और इसमें इंप्लाइड है कि तुम्हें अपने लिए पैदा किया है वो आगे चल के फिर दावत आ जाएगी कि ये जो प्रिविलेज इसी नहीं सिर्फ दे दिए गए हैं कि लॉ जी जनाब याशी करो नहीं इसके गेस्ट में कुछ डिमांड भी कर रहा हूँ सुर हजारियात में तो खुल के मजमून आया ना हम खलतुल जन्ना वबुदूल हमने जिनों इंसानों को नहीं पैदा किया सवाए इसलिए कि वह हमारी इबादत करें हमें माने नहीं सिर्फ इबादत करें और इबादत का मतलब है अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानना टोटल ओबीडियंसवासम फिर अल्लाह ताला आसमान की तरफ मुतवज हुआ या मुस्तवी हुआ सब फसवासमत और फिर आसमानों को सात आसमान बना दिया वह हुआ बिकुलिसन अलीम और वह हर चीज़ को अपने इल्म के जरिए घेरे हुए हैं अब ये पूरा ब्रेकअप फिर आगे जा कर सूर हूद में सूर्य हामी में सजदा में आएगा कि छः दिनों में अल्लाह तला ने जो है वो ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया और जितने रिसोसज़ रखे इसके ऊपर मेरा एक क्लिप भी रिकॉर्डेड है यूट्यूब पर अपलोडेड आप देख सकते हैं आज मैं उस बहस में नहीं पढ़ूँगा तो ये जो इसतवासम है हम इसको अल्लाह के सपुर करते हैं कि जैसा कि उसकी शान के लायक है उसका बुलंद होना इसकी कैफ़ियत में हम नहीं पढ़ सकते ये मुतशाब हाथ में से हैं आप मेरे भाइयों